हेलो मैडम, माई सेल्फ इंदर इंटरेस्टेड। माने मेरा नाम है इंदर इंटरेस्टेड और मुझे है ना FIR लिखवानी है। क्यों, किसी ने थारी भैंस की पूछ पाड़ ली? नहीं मैडम, ये देखिए ये क्या है? अरे किसी का प्यार इस तरह उमड़ा कि मेरे सिर पे निकल आया गुमड़ा। मतलब किसी ने इतनी जोर से तुम्हारी पप्पी ले ली कि गुमड़ा निकल आया। अरे प्यार मुझ पर नहीं, मेरी बीवी पर उमड़ा है। नहीं, कंफ्यूजिंग बातों का क्या है यूज, खुल के बोलो, मत करो कंफ्यूज। ओके बाय। देखिए मैडम, बात ये हुई है कि किसी ने पत्थर में लपेट के मेरे बीवी के नाम पे प्रेम पत्र फेंका। oh. अब मैडम मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि उसने प्रेम पत्र फेंका। मुझे इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसने पत्थर में लपेट के क्यों फेंका, और उससे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि वो पत्थर मुझे लग गया। नाम बोलो जिसके खिलाफ कंप्लेंट्स है। यही तो कंफ्यूजन है ना मैडम, क्योंकि मैंने उसे पत्थर फेंकते हुए देखा ही नहीं। थारी कोई विशेष टिप्पणी हो रही है इस पे? मैडम टिप्पणी नहीं, टिप्पणा है। तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है या ऐसा कोई पहचान वाला जो घर पर बहुत ज्यादा आता जाता हो? आता जाता नहीं मैडम, मेरे घर में ही रहता है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता है मेरा किरायेदार। मैडम जब भी मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ ना, तो वो हमेशा मेरे बेडरूम में पाया जाता है। अरे यार, तुम उस किरायेदार को निकाल क्यों नहीं देते? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, आजकल किरायेदार कितनी मुश्किल से मिलते हैं और कितनी मुश्किल से टिकते हैं। इसलिए मैंने खुद ने अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया हुआ है कि ना ही वो 5 साल तक मेरा मकान खाली कर सकता है और ना ही मैं उसे मकान खाली करने के लिए कह सकता हूँ। मम्मी जी, एक सवाल मेरे अंदर जी कबड्डी खेल रहे जी, वो ये कि अगर इसके किरायेदार का इसके बेडरूम तक आना जाना है, वो प्रेम पत्र इसकी बीवी को ऐसी दे सकता है, उसे पत्थर में लपेट के फेंकने की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फासिल दोस्त ये भूल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं गोपी से डिसएग्री करता हूँ मैडम, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझकर पत्थर इसलिए फेंक रहा हो ताकि वो पत्थर इसकी आंखों पर लगे और ये अंधा हो जाए और सूरदास बनकर ये सारी रासलीला जो हो रही है उसके घर में उसे देख ना पाए। ऐसा ही जो फाइलें हो रही है ना क्रिमिनल केसेस से भर रखी हैं, और थारा यो फालतू मामूली सा केस सॉल्व करें हम ना, मान लो उन्हें गोलियां लग रही हैं और हम थारे गुमड़े के पीछे भागे। प्लीज प्लीज मैडम, ये प्यार का सवाल है, माने ये केस प्लीज सॉल्व कर दीजिए ना। ऐसा है बालको? हाँ जी जी। ना पहले तो इससे 20,000 रुपए वसूल कर लो, उसके बाद इसके उस बुलाओ किरायेदार ने, हम भी देखें कौन हो रहा है इतना बेडरूम फ्रेंडली। अरे हो, छपरा से आयल पटना जा। अंकल अंकल, काहे बुलाया हाँ? बहू जी बोले यहाँ बुलाए हैं आप। क्या हुआ? नमस्ते मैडम, हम हूँ गौतम गवैया, स्ट्रगलर हूँ हम। किस प्रकार की स्ट्रगल कर रहा है तू? गायक बनने का स्ट्रगलर हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता सितारा, कोरा करारा जो मचा देगा हल्ला, जिसके गाने पर नाचेगी भाभी मामी लल्ली और लल्ला, स्ट्रगलर हूँ हम। ओ, गायक बनने का स्ट्रगल या निशानेबाजी का, ये देखो। अरे वाह दारोगा साहब, क्या करने जाता है तू इसकी बीबी के बेडरूम में? मैडम देखिए, इनका टेलीफोन नंबर जो है ना, वो हमारा केयर ऑफ नंबर है मैडम, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमसे और हम पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से उसी नंबर पर बात करते हैं। वो ऐसा है, आजकल तो जो है ना पान बीड़ी वाले भी मोबाइल फोन रखा करें, तो तू एक मोबाइल ना खरीद सके? तू खरीद सकते हैं मैडम, पर क्या करें मैडम, हमारे पास ना राशन कार्ड है ना इलेक्शन कार्ड है मैडम, माने कोनो सबूत ही नहीं कि हम यहाँ के निवासी हैं। ट्रबलर हूँ मैडम, हमको कोई कंपनी मोबाइल फोन देने को तैयार ही नहीं, हम क्या करें भाई? इंदर इंटरेस्टेड भाई, मन ने वो बता, थारे पास तो जो राशन कार्ड इलेक्शन कार्ड रहेगा है ना, ना तो तू अपने कार्ड पे इसको क्यों ना ले देता एक मोबाइल? ना मोबाइल आ जाएगा इसके पास तो थारी बीबी से मेलजोल भी खत्म, सिंपल। ठीक है मैडम, अगर मोबाइल दिलवाने से ये मेरी बीवी से दूर रहता है तो ये बात मुझे मंजूर है। आते चल आओ अभी ले लेते। क्या हुआ? पंजाबी स्लीपिंग ब्यूटी। सॉरी कंफ्यूजन।
क्या है? नहीं रंगीला मैडम रंगीला। ओ नहीं क्या हो गया? नहीं थारी बीबी ने लिख दिया इसने लव लेटर। नहीं मैडम नहीं। ओ तो क्या इसने तुम्हें लव लेटर लिख दिया? सॉरी बेटा कम बोला कर वरना दुनिया से कम कर दूंगी मैं तेने। मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, मैं तो बस तफ्तीश कर रहा हूँ ना। तू बोलो इंदर इंटरेस्टेड। क्या बताऊँ मैडम, कल जब मैं घर पे पहुंचा ना तो मेरी बीवी इसे चाय पिला रही थी और ये चाय पी रहा था। अरे यार तुम वहाँ चाय पीने क्यों जाते हो? नहीं 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 देखो मुझे इंटरेस्ट इस बात में बिल्कुल नहीं है कि ये चाय पी रहा था, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि ये फिर से मेरे घर में क्यों घुसा हुआ था। क्यों भाई? सुर के सरताज पिंक पैंटर रंगीला। भाई क्यों अपने बाप का घर समझ के गुस्सा चला जावे तू इसके घर में? देखिए मैडम हमारे घर में केरोसिन तेल खत्म रहा और बनिए की दुकान जो वहाँ ताला लगा रहा। हमारी ऑडिशन थी मैडम, स्ट्रगलर हूँ हम, तो हम सोचे कि हम जाकर कहीं चाय के दो चार को चुस्की लेकर गला को सेक दे, तो इसलिए चले गए इनके घर हम। ओ, गला सेक रहे थे क्या? आंखें सेक रहे। अरे यार तुम गैस का कनेक्शन क्यों नहीं ले लेते? अरे कैसे ले ले कनेक्शन, कैसे ले ले? कोई कंपनी हमको गैस का कनेक्शन देने को तैयार ही नहीं है। क्या है ना मैडम, हमारे पास राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड नहीं है ना, स्ट्रगलर हूँ हम। अबे ओ इंदर इंटरेस्टेड, थारे इस केस में जो है ना एकदम रत्ती भर का भी इंटरेस्ट ना आ रहा मन्ने। अरे थारे पास तो है ना राशन कार्ड? हाँ है ना। ना तो अपने राशन कार्ड पे इसने गैस अपने नाम पे क्यों ना दिलवाए दे रहा कनेक्शन? यो नहीं एक बार में ही जो है ना खत्म चक्कर, ना यो थारे घर आएगा ना ना प्रेम ना प्रेम पत्थर। ठीक है मैडम, आपके कहने के अनुसार मैं इसे गैस कनेक्शन दिलवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अरे वाह शुक्रिया कहरो मेहरबानी, हमने कर दी तोरे नाम अपनी जवानी। अरे 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 Oh, oh, yes, 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 yes. Sari Dama. Oh, oh, are you me? Oh, khanna ke londe. Hi. Yaar. अरे क्या हो गया हैं? इस सांता क्लॉस ने मेरी चॉकलेट चुराई. ए ए ए तू क्या कह रहा है ओ खन्ना का लौंडा? ना चॉकलेट चुरा रहा आजकल तू बच्चों की? अरे मैडम मैं क्यों चॉकलेट चुराने लगा, मुझे क्या करना है? झूठ बोल रहा है बेटा, आई थिंक यूर मिस्टेक। तो इसकी तलाशी ले लो। हाँ जरूर ले लो तलाशी, मुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं क्या चोर हूँ? अरे आप क्या तलाशी लोगे? मैडम मैं खुद की तलाशी लेता हूँ। देखिए देखिए कहाँ है चॉकलेट? फंसा। मैडम मुझे नहीं पता ये का... देखा देखा ये चोर है। शेम शेम। मैडम न बालकों की चॉकलेट चुरा रहा है न खाना चुरा रहा है बालकों का, ऐसे दिन आ गए सारे। अरे मैडम मैंने नहीं चुराई है। 100 रुपए निकाल। अरे लेकिन मैडम 100 रुपए निकाल दे इसने चॉकलेट दे इसकी। अरे बेटा पूरे हफ्ते जो है गुलगुले के पैसे की चॉकलेट खाओ, डोंट वरी। By the way, चॉकलेट मैंने ही डाली थी and thanks for the money. अबे तेरी तो क्या है तेरी खन्ना के बच्चे? अरे ठीक अरे मैडम नाजुक आर्टिस्ट है। अरे मेरा तमीज मैडम किधर है? कहाँ है मैडम? मैडम कहाँ है मुझे बता ना। तू डॉन का अमिताभ बच्चन हो रहा, किस प्रकार के जो है पोलका डॉट वाले कस्टूम पहन के घूम रहा तू, पब्लिक ने बरगला रहा। और तू ना इसकी बीबी के जो है बाथरूम में घुस गया तू अब के? नहीं मैडम नहीं, बल्कि ये कल है ना चित्रा कुछ चौराहे पे मेरी बीवी के साथ कार में जा रहा था। मुझे इस बात का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि ये कार में जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट है कि ये मेरी बीवी के साथ कार में जा रहा था। स्ट्रगलर हूँ हम मैडम। दरअसल हुआ क्या कि भोजपुरी फिल्मों के मशहूर संगीतकार लपेटन समेटन बंधु को हमको गाना सुनाने जाना था। अब हमारे पास कोई कार तो है नहीं जो बैठे और गुर्र से चले गए, और बसों की थी हड़ताल, और टैक्सी में बैठने के लिए हमारी जेब में हड़ताल है। स्ट्रगलर हूँ हम। तो ऐसे में भाभी ने कहा कि चलो हम तुमको छोड़ आते हैं, तो हम चढ़ गए गाड़ी में। अरे यार ये बड़ी गलत बात है, तुम किसी की बीवी के साथ। तुम एक काम करो, तुम एक स्कूटर ले लो।
अरे हम स्कूटर लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं स्कूटर लेने, लेकिन क्या करे, कोई स्कूटर देने को तैयार ही नहीं है मैडम, हमको कोई कंपनी स्कूटर नहीं दे रहा, क्या है ना स्ट्रगलर हूँ हम, तो हमारे पास कोई राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड तो है नहीं, इसलिए कोई बैंक भी लोन नहीं दे रहा। ऐसा है, ओ इंटरेस्टेड, न थारे पास तो सह राशन कार्ड और जो भी कार्ड है, तो तू जो है अपने नाम पे इसे स्कूटर क्यों ना दिला देता, खत्म हो जाएगी बात सारी, ना घूमेगा थारी बीबी के संग गाड़ियों में यो। ठीक है मैडम, आपके कहने के अनुसार मैं इसे अपने नाम पर स्कूटर दिलवा देता हूँ, ठीक है। मैडम 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 मैडम, आपके कहने के अनुसार मैंने उसको स्कूटर दिलवा दिया, लेकिन आज मुझे फिर से झटका लगा कि मेरी बीवी उसके साथ बैठकर कहीं पे जा रही है। अब मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी बीवी उसके साथ स्कूटर पे बैठ के कहाँ जा रही है, मुझे इंटरेस्ट इस बात का है कि मेरी बीवी उसके स्कूटर पे क्यों जा रही है। ओह ऐसा है ना, इससे पहले कि वो गबैया ना थारी बीवी ने ले उड़े, अरे उसको निकाल अपने घर से। नहीं ना मैडम, मैं नहीं कर सकता ये, क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 5 साल तक ना ही मैं उसे निकाल सकता हूँ ना ही वो मुझे छोड़ के जा सकता है। और कोई टटपुंजिया सा केस हो तो वो भी ले आ, ना बोल तो पुलिस जो है हम लोग थारे घर पेस्ट कंट्रोल करने चलते हैं, कॉकरोच मारते हैं हम। अरे ऐसा है ना, उसको कल जो है समझा बुझा कर लेकर आ थाने में, उसकी ड्रिंक में कुछ मिला के जो है हम उससे थोड़ा बेहोश बेहोश करके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच मैडम। ये तो मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। आ गया मैडम। भैया साया गुलगुले का लौंडा जो है ना, ना वो लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जो है 3rd नंबर पे आया है, अरे तो उसी खुशी में इसने जो है स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की जो है पार्टी दी है। अरे बेटा लीजिए मैडम, ये आपके लिए, ये मेरे लिए, ये आपके लिए और ये इनके लिए। थैंक यू। लीजिए लीजिए लीजिए। चीयर्स 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 टू चीयर्स माय सन बुलबुले। वाह पीपी सिंगर। सिंगर बॉटम्स ऑफ। होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन। Cheers to that. जाग गए आप। वो हो गया। हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके। मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि वो किराएदार अब किराएदार है या नहीं है। भाई तू टेंशन ना ले, ईव जो है वो किराएदार ना रहा। हाँ वो बन गया है थारे मकान का मालिक। फसा। क्या? इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने है, इस पर साइन भी तुम ही ने किया और जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब तुम अपना घर अपने किराएदार के नाम करते हो। क्या बात करते हो। और नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये चीटिंग है, ये सरासर धोखा है। अच्छा
ना मतलब तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। यो बेटा यो चीटिंग यो धोखाधड़ी जाना यो हमने थारे से ही सीखी है। कंफ्यूजन भाई गोपी जी जी ले गया भाई अंकल आराम से। हाँ तो भाई इंदर इंटरेस्टेड ना आर यू इंटरेस्टेड इन रिकॉग्नाइजिंग दिस मैन। ये ब्रिजभूषण जी। हाँ यो वही ब्रिजभूषण अंकल है जिसके घर में जो है ना तू किरायेदार बन के रहता था और एक दिन तेने चीटिंग और धोखाधड़ी से इनको नशे की दवा मिलाकर पिला दी कोल्ड ड्रिंक में और इनसे साइन करवा लिया और इनका मकान अपने कब्जे में कर लिया। फसा बेटा तेने इन्हें तो धक्के मार के घर से निकाल दिया यो सोच के कि इनका कोई ना है। पर बेटा इस बेटी के रहते किसी बाप के साथ कोई ना इंसाफी ना कर सके समझा तू। वो तो अच्छा है कि ब्रिजभूषण अंकल मैडम को मंदिर की सीढ़ियों पर मिल गए। मैडम ने उनकी सैड स्टोरी सुनी और डिसाइड किया कि वो उनकी मदद करेंगी और ये सारा का सारा जाल बुना जिसमें हमारी मदद की इस गौतम गवैये ने यानी मैंने। अब एक और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा व्हाट जिसमें ये वो मकान ब्रिजभूषण अंकल के नाम कर देगा। अंकल किसने कह रहा है लगभग थारी उम्र के हो रहे हैं यो। चुप कर अंकल जी डोंट वरी ऐसा है ई बाप का मकान आपके नाम पे हो जाएगा और आपका यो किरायेदार आपको हर महीना किराया देगा। नहीं मैडम ने निकालती बाल की खाल अब तुम जाओगे सरकारी ससुराल। ओके बाय। ऐसा है इस साले के गले में डालो टायर और साले ने अंदर करो। अंकल जी आर यू हैप्पी। तुम मारो भैया। अंकल जी अंकल आप हंस क्यों रहे हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।